आदि में कुछ भी नहीं था। वास्तव में हम जानते हैं कि उस समय पर दुनिया नहीं थी, तब प्रभु ने इसे बनाया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हाँ, वो छोटा सा कण आज धरती है। उस कण पर परमेश्वर ने नाना प्रकार के अद्भुत जीवन जंतुओं को बनाया, लेकिन उन सभी में सबसे अद्भुत सृष्टि पुरुष और स्त्री थे। पुरुष और स्त्री परमानंद में रहा करते थे, क्योंकि वे उस समय तक परमेश्वर के नजदीक थे जब तक कि वो दुखदाई दिन नहीं आया, जब उन्होंने परमेश्वर के बनाए एक नियम को तोड़कर फल ना खा लिया। उस दिन से हर एक चीज का पतन हो गया। हर गुजरते दिन के साथ साथ मनुष्य विद्रोही होता चला गया, जबकि परमेश्वर लगातार उसके साथ विश्वास योग्य बना रहा। पाप करने पर परमेश्वर ने अपने लोगों को दंड दिया, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो उसने उन पर दया करके उनको बचा लिया। ये सिलसिला बार बार चलता ही रहा। अंत में परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया। उसने इस धरती पर अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि हम मनुष्य के समान ही चले, बोले और उसी के समान महसूस करें। एक ही रात में स्वर्ग का अमर राजा एक बढ़ई का मरणहार पुत्र बन गया और उसने सिद्ध संसार की पतित अवस्था का अनुभव किया। यीशु अर्थात वो छोटा बालक अब एक व्यसक बन गया, धरती पर अपनी सेवा करने लगा, जिसमें बीमारों को चंगा करना, अपने पिता के राज्य के बारे में प्रचार करना और जिससे वो मिला उसके साथ रिश्ता बनाना शामिल था। 3 वर्षों में ही उसने इतना ज्यादा काम कर लिया जिसे लोग अपने पूरे जीवन काल में कर पाते हैं। लेकिन रुके, जैसा हर एक अच्छी कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक मोड़ है। जैसे जैसे लोग यीशु द्वारा प्रभावित होने लगे, उसके एक करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसको धार्मिक गुरुओं के हाथों पकड़वा दिया और उसे ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यीशु को गालियां बकी गईं, उसका मजाक बना, निंदा हुई, झूठे आरोप लगे, विश्वासघात किया गया और अंत में उसे क्रूस पर उठाकर पूरे नगर में घुमवाया गया। उसके बाद उसे 2 चोरों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने धीरे धीरे दुखदाई मृत्यु को सहा। अकेलापन, कष्ट, विश्वासघात, अपने पिता के द्वारा त्याग दिया जाना, इन सब के बाद यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। ऐसा जान पड़ा कि मानो उसका मिशन असफल हो गया। मतलब कि जब अगुआ ही खत्म हो गया तो योजना सफल कैसे हो सकती है? यदि सारे अनुयायी तितर बितर हो गए और डर के मारे छुप गए तो ये योजना कैसे सफल हो सकती है? चीजें धुंधली और अस्पष्ट होने लगी। लेकिन सिर्फ 3rd दिन तक उसका शरीर गायब हो गया और वो मुर्दों में से जीवित हो गया। उसने एक ऐसा काम किया जो उसके पहले और उसके बाद किसी और ने नहीं किया। उसने मृत्यु को जीत लिया। जीत लिया? हट! उसने जमीन पर ही कूद दिया। देखा, यदि आपको वो कण जुड़ते हुए नजर न आए हों, वो क्रूस अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए एक सेतु बन गया। हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यीशु ने सब दिया है। तो ये हमें कहाँ ले जाकर छोड़ता है? आज हमें उलट पुलट संसार में रहते हैं। हम दुखी होते हैं, विश्वासघात, तनाव, उदासी, शोषण, अकेलेपन, गरीबी, लत और बीमारियों से। हमारी टूटी अवस्था से हमें महसूस होता है जैसा कि टूटा हुआ। लेकिन अगर हम यीशु को मौका देते हैं, सबसे पहले वो उस टूटेपन को छूता है और उन सभी दुखों में उसकी रोशनी चमकती है। और वो तब तक हमारी बहाली पर काम करता रहता है जब तक कि हम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, अर्थात जैसे परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब कुछ उसके साथ रिश्ता कायम करने पर ही संभव होता है। इसलिए ये ईस्टर और हर ईस्टर हमें उस आशा की याद दिलाता है जो हमें केवल यीशु में मिलती है। चाहे हमारा बीता जीवन कैसा भी रहा हो, मगर हमारे भविष्य के लिए एक आशा है। इस धरती पर सदा के लिए मूल्यवान जीवन और उद्देश्य की आशा।